हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पीडीएफ फाइल और एक वीडियो भेजे हैं, तो उसी का हम बोर्ड पर रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं कि आपको सुनाई दे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ एक वीडियो आपको दूँ। और चलो देखते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताया हूँ नीड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और एक ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, दो चीज़ आज बताना है। तो क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, पहला बात ये समझ जाइए कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं टैली के लिए, और टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो टैली को समझने के लिए अकाउंटिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बारीकी से एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं और एक का दो दो वीडियो बना रहे हैं, आपको समझ जाइए। तो देखा जाए, पहला है व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टिकुलर पीरियड। पार्टिकुलर पीरियड मतलब कि मान लीजिए कि आपका व्यवसाय है और एक बिजनेस किए हैं, तो वो साल भर बिजनेस किए तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी देता है अकाउंटिंग। दूसरा क्या है कि हाउ मच अमाउंट इज ए पेबल, हाउ मच अमाउंट इज ए रिसीवेबल, ये भी जानकारी देता है अकाउंटिंग कि आपने जो बिजनेस किया है व्यवसाय में, तो उस व्यवसाय में किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, वो सब अकाउंटिंग के माध्यम से पता चल जाता है। हम कितना बात याद रखेंगे, तो इसके लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरत है। व्हाट इज द कैपिटल एट द एंड ऑफ पीरियड। जब हम कोई पार्टिकुलर पीरियड में, मतलब सालों भर बिजनेस चलता है और लास्ट में हम देखना चाहते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट है, लॉस है, और ये भी पता चलता है कि हमारा पूंजी कितना है, मतलब कि जब हम लास्ट करते हैं, हम बताए थे आपको कि पहले हम लोग जर्नल करते हैं, क्लासिफाइंग या थी रिकॉर्डिंग, तब हम करते हैं लेजर बनाते हैं, तब ट्रायल बैलेंस, इसके बाद फाइनल अकाउंट। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग, और इसको बोलते हैं हम लोग समराइजिंग, इसको फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट में दो चीज़ होता है, इनकम स्टेटमेंट और एक होता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हमको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ये दो चीज़ का मालूम होता है और इसमें हमको स्थिति के पता चलता है, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। इसका डिटेल में क्लास चलेगा, बस हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि अकाउंटिंग के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि हमें जो साल भर किए तो हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और पोजीशन क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है, ये पता चल जाता है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है। हमको ये भी पता चल जाता है कि हमने साल भर बिजनेस किया तो सेल कितना का किया, परचेज कितना का किया, ये सब हमको अकाउंटिंग से ही पता चलता है। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो कि मांग है, ज़रूरत है। अब रहा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। हम बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि गवर्नमेंट को जब टैक्स नहीं देंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो ये हर टैक्स के बारे में अकाउंटिंग जानकारी रखता है और इसके आधार पे हम पता लगा लें कि हमने पैसा जमा किया है कि नहीं, टैक्स जमा किया है कि नहीं, इनकम टैक्स जमा किया है कि नहीं, जीएसटी का टैक्स जमा किया है कि नहीं, तो ये सब हमको जानकारी होती है।
अब हम लोग एक बात और आपको बता दें कि जो ये हम नीड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताएं, वो हम तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में ही जान गए थे, लेकिन ये एक प्रोसेस था। लेकिन आपको बता दें कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के से ही आप सीख जाने से आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जान जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जान जाते हैं, और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जान जाते हैं। मतलब कि आपको नीड ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मालूम हो जाता है। तो अब हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं टैली के लिए तो कौन सा अकाउंटिंग है। एक्चुअली में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब टाइप ऑफ अकाउंटिंग मतलब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हम तो बहुत ऐसा ब्रांच होता है इसका अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है। तो हम किस अकाउंटिंग में टैली करते हैं, ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहो तब इसका पूछा जाता है। तो आप समझ जाइए कि एक एक के बारे में हम बात कर रहे हैं आप लोगों। तो इतना ब्रांच बनाने की क्या जरूरत था, इतना अकाउंटिंग ब्रांच बनाने की क्या जरूरत था, पहला क्वेश्चन इतना है। देखिए होता क्या है कि दिन प्रतिदिन बिजनेस बहुत, इसका स्कोप, इसका फील्ड बहुत बड़ा होते जा रहा है, और पूरे सोसाइटी को, सोशल को मैनेजमेंट करना बहुत कठिन होता है। इससे एक स्पेशल ब्रांचेज बनाया गया, अकाउंटिंग का ब्रांचेज बनाया गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग हो गया, वो टैक्स अकाउंटिंग हो गया, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसे तो अकाउंटिंग और है, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो मेन मेन हम बात बता दे रहे हैं आप लोग को, तो एक एक पर डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी डिस्कस किए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये आता है, जिसमें जनरल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फाइनल अकाउंट होता है, और इससे प्राप्त करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उपयोग हम लोग करते हैं टैली के लिए। टैली जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो टैली सॉफ्टवेयर होता है आपका अकाउंटिंग के लिए। और अकाउंटिंग जो हम लोग यूज करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं, मतलब कि हमको इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाना होगा टैली में। ये ऑटोमेटिकली तैयार करता है, लेकिन कैसे होगा जब टैली बताएंगे तब। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ब्रांच के बारे में समझ गए, अकाउंटिंग के बारे में। इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें CA करते हैं लोग, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। अब रही, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम ये सब पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग होता है, तो ये सब हमको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यही टैली में पढ़ना है। तो ये ध्यान रहे आपको, कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, पूछा जाएगा कि टैली क्या है, तो बोलेंगे कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो किस तरह का टैली, कौन सा अकाउंटिंग, क्वेश्चन वो राइज कर सकता है कि अकाउंटिंग तो बहुत तरह का होता है, कौन अकाउंटिंग होता है, तो आप बताइए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास 4 पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, देखिए
कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जब अपना माल प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है तो उसका एक मूल्य निर्धारित करती है, एक कॉस्ट उसका होता है। तो वो कॉस्ट निर्धारित किया जाता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहला बात, ये बात का बता रहे हैं आपको कि इसमें जो भी सामान प्रोडक्ट होता है उसका एक एक कंपोनेंट, एक एक पार्ट को देखा जाता है। इसमें जैसे कोई प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्च हुआ, उसको सेलिंग करने में क्या खर्च हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिंग करने में क्या खर्च हुआ, इसके बाद आपको बताते हैं एडवर्टाइजमेंट, कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होता है, तो इस सब कुछ के देखते हुए एक निर्धारित किया जाता है कॉस्ट, और तब मार्केट में उसको, तो कॉस्ट का निर्धारित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जब ये निर्धारित किया जाता है तो दूसरे कंपनी को भी देखा जाता है कि अरे उस कंपनी का भी माल वही है, हमारा कंपनी का भी माल वही है, तो दोनों में रेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम से कम रेट रखना चाहता है कंपनी कि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो गए, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसमें मिडिल वर्ग के लोग ज़्यादा मार्केट को घेरे हुए हैं, तो इस चीज़ को देख के मूल्य का, कॉस्ट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके बाद तो इसको करने के लिए आप CWA भी कर सकते हैं। CW मतलब क्या, CWA मतलब होता है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। इसकी पढ़ाई आपको अपने देश में भी है और फॉरेन कंट्री में भी जाकर सीख सकते हैं, तो इसका भी बहुत मांग है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस संस्था जहाँ पर लेन देन हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपका कंपनी धरसाई हो जाएगा, गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसे कंपनी का जो एक्टिविटीज है वो सबको कंट्रोल करना, मेंटेन्स करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस कंट्रोल और एक्टिविटीज जितनी है उसको व्यवस्थित करने के लिए ये अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए लोग MBA करते हैं, BBA करते हैं, CMA करते हैं। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसका होता है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और CMA का होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये होता है। तो मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर कोई बिजनेस में सफल होता है तो उसका श्रेय मैनेजमेंट जाता है। मतलब कि अगर कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो उसका श्रेय मैनेजमेंट पे जाता है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रहेगा तो वहीं आपका कंपनी ग्रो करेगा। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। तो बिजनेस की बात हो और टैक्स की बात ना हो तो ये तो काम गड़बड़ है। तो देखिए, आपको एक बात बताते हैं हम आप लोगों कि जो बिजनेस होता है तो बिना टैक्स दिए आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, एक दिमाग में रख लीजिए। अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सरकार है वो टैक्स पर ही चलती है, टैक्स से ही उसका काम चलता है, उसका रिवेन्यू है, उसका इनकम है, उसका स्रोत है टैक्स। तो हम जो टैक्स देते हैं उससे उसका काम चलता है, तो इसका अकाउंटिंग होना चाहिए।
बिजनेस तभी आप कर सकते हैं जब आप टैक्स पेमेंट करते हैं। दूसरा बात, तो इसमें हर बिजनेसमैन को जिसकी कंपनी है, जिसकी संस्था है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स और एंड बोल सकते हैं GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जमा करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स मालिक का, मान लीजिए कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, अब इस कंपनी का मालिक है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इस कंपनी से जितना भी इनकम करेंगे तो इनके खाता में जाएगा पैसा, क्योंकि कंपनी इनका है। तो ये कितना इनकम करते हैं वन ईयर में, तो इस पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में? मतलब कि कंपनी के मालिक को अपने तरफ से इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब GST के बाद, ये तो बात हुआ है इनकम टैक्स का, अब GST की थोड़ा बात कर लेते हैं। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब ये क्या है? तो देखिए, जो भी हम गुड्स बेचते हैं या सर्विस देते हैं, हम दो तरह से पैसा कमाते हैं बिजनेस करके। एक तो हम गुड्स बेच के, कोई सामान बेच के, एक सर्विस दे के। सर्विस मतलब कोरियर खोल देंगे या हम ट्रांसपोर्ट का काम करने स्टार्ट कर दिए, तो सर्विस वाला काम दे या गुड्स का काम दे, तो इस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो होता क्या है कि गुड्स है 100 रुपया का मान लीजिए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर 10 रुपया और रख लो, कस्टमर को बताओ कि तुम्हारा दाम हो गया 110, और तब इसमें अपना प्रॉफिट ले लो 20 रुपया, 130 रुपये में बेच दो, 20 रुपया तुम अपने पास रख लेना और 10 रुपया हमको दे देना, 30 रुपया इसमें फायदा हुआ। आप तो, आपका सामान 100 रुपया का सब मिला के आया, आपका सब खर्च मिला के 100 रुपया का सामान लिए, और 10 रुपया जो है आपने अलग से लगा दिए जीएसटी, ठीक है, GST का लगा दिए 10 रुपया, 110 रुपया हो गया, आप फायदा लगा दिए 20 रुपये फायदा ले लिए, तो 130 रुपये का सामान हो गया। तो अब 130 रुपये कस्टमर से लेगा, तो उसमें से क्या होगा? देखिए, अब 100 रुपये का उसका सामान था, 10 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा, 20 रुपये अपने पास रहेगा, अब इस 100 रुपये से फिर जाकर सामान लाएगा, तो ये 10 रुपया जो है 10 रुपीज वो गवर्नमेंट के खाते में चल रहा है। तो पब्लिक को पता नहीं चलता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी टैक्स है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसकी क्लास आगे होगा, बहुत होगा। तो ये काम होता है टैक्स अकाउंटिंग में। अब है पांचवा लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी पर कोई प्रभाव न पड़े, इस बिजनेस के चलते, इस ऑर्गेनाइजेशन के चलते, इसको ध्यान में देने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किया जाता है। इसको ध्यान में रखने के लिए क्या किया जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, अगर कंपनी मतलब कि ऐसा सामान बनाएगी जो ज़्यादा दिन नहीं टिके, तो इसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा। अगर कंपनी कोई ऐसा सामान बनाती है जिससे पब्लिक सर्टिफाइड नहीं हो, उस पर सेफ्टी ना हो,
जैसे कोई सामान बचना ही और जाकर लोग खाकर बीमार होने लगे, उससे कुछ अलग टाइप का, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा बिजनेस करे जिससे सोसाइटी और समाज पर कोई प्रभाव मत पड़े उसके चलते, तो उसके लिए एक अकाउंटिंग होना चाहिए। तो इस आज इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि पॉल्यूशन मत बढ़े, प्रदूषण ज़्यादा होए मत, या आप कंपनी अपना जो वेस्टेज माल है कहीं फेंके मत। तो इस सब पर ध्यान देने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का यूज करते हैं। तो ये भी एक ब्रांच है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस ब्रांच के माध्यम से हम सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। और तो इस हर काम के लिए अलग अलग ब्रांच बना दिया गया जिससे अकाउंटिंग करने में सुविधा हो गया। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में इतना ही आज। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं क्या होता है। बाय।